वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज हम भी बनाने वाले हैं चिकन 65, यानी कि मुर्गा 65 ना। तो गाइस, ये भी एक चाइनीज डिश है चिकन 65, जो कि बहुत से लोग सूखा खाना पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग सूखा खाते हैं। बट यार, मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना, जो दाल चावल के साथ ये डिश खाने में बहुत मजा आता है। यानी कि जो ये चिकन के पीसेस रहते हैं ना, मसाले लगे हुए, सिर्फ दाल चावल के साथ मिल जाए ना, तो खाने में उतना ही मजा आता है मुझे। आप लोग कैसा खाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो भी नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि चिकन 65 बनाने के लिए हमें क्या क्या लगे। तो चलो, तो सबसे पहले लगेंगे हमको चिकन, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, कॉर्नफ्लावर आटा, मैदे का आटा, रेड चिल्ली सॉस, केचप, काली मिर्च की बुक्की, ये कुटा हुआ लहसुन, ये घर में पिसा हुआ गरम मसाला, लाल सूखी मिर्ची, कड़ी पत्ते, कोथमीर, हरी मिर्ची, नींबू, एक अंडा, सोया सॉस और ये हमारे मसाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल, उसमें ले लेंगे हमारा चिकन। तो ये चिकन है 500 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सबसे पहला अदरक लहसुन, एक बड़ा चम्मच भर के मैंने ली हूँ अदरक लहसुन। तो सबसे पहले जाएगा अदरक लहसुन। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच डालेंगे दही, अभी आधा चम्मच, ये आधा दही बाद में काम आएगा हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, आधा चम्मच हमारा है तीखी वाली लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा और धनिया तो मैं नहीं डालती हूँ, ये मैंने काली मिर्च ली हूँ आधा चम्मच, जो मैं अभी आधा डालूँगी, आधा हम बाद में डालेंगे। और ये है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ठीक है। और ये 2 चम्मच मैदे का आटा, ये सब पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो देखो, मैंने ये मसाला मिला ली हूँ इसमें। अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारा गरम मसाला। अभी काली मिर्च हमने डाले हैं, तो गरम मसाला अपने हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिक्स हो जाएगा तो ज़्यादा तीखा हो सकता है। और ये सोया सॉस, ये मेरे को अच्छा लगता है टेस्ट में, इसके लिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, ठीक है, ये मुझे अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे इसमें 1 अंडा। बहुत से लोग अंडा भी नहीं खाते हैं, तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी, क्योंकि उसमें हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा डाले हैं ना, तो वो भी कोटिंग सही रहती है। अगर अंडा नहीं डाल सकते तो ना डालें। तो देखो, अभी मैंने अंडा भी अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब ये 1 चम्मच भर के मैं नींबू का रस भी डाल दे रही हूँ। मस्त खट्टा मीठा तीखा सब टेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है आपके पास, ये मिला के आप रख दो, ठीक है। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं रखूँगी, सिर्फ 15 मिनट रखूँगी। तो चलो देखते हैं, 15 मिनट हो गए, अभी मेरे चिकन का हाल क्या है। तो इसमें मेरे को ज़रा सा ना ऐसा लग रहा है कि कलर की कमी है, तो मैं थोड़ा सा कलर डाल दूंगी। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा डाल दूंगी, थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा चिकन 65 का, बस। और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो अभी मैं इसको मिलाते मिलाते ही काम करूँगी, हाथ से मिला लेती हूँ, अच्छा मज़ा आएगा। अपना हाथ से जो काम होने वाला है ना, वो चम्मच से नहीं होता है मुझे। तभी मैंने इसे मिला दी हूँ। अब तेल गरम करना है फास्ट गैस, स्लो गैस नहीं, इसका तेल होना चाहिए तेज आंच पे गरम, स्लो आंच पे नहीं, ठीक है। तो अब हम डालेंगे अभी इसमें बिस्मिल्लाह करते हुए। हाँ, देख रहे आप लोग,
इसी तरीके से गरम गरम आंच पे इसको पकाया जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि थोड़ा ला के पहले मसाला लगा के रखा करें, तो उससे क्या होता है ये सॉफ्ट हो जाते हैं चिकन, तब हम डालते ना इसमें तेल में तो फटाफट गल जाते, कच्चे ले रहे थे। तो देखो मेरे पीस तैयार हो गए, तब मैं इसको निकाल दूंगी। जरा भी मसाला नहीं छोड़ा है क्योंकि मैंने इसको तेज आंच पे डाली थी, ठीक है। और मेरा चिकन सब बोलने से कोई हड्डी वाला नहीं है, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से मैंने सारे चिकन फ्राई कर लिए, ये हो गए मेरे चिकन फ्राई। अब हम दूसरी कढ़ाई रखेंगे, इसको तड़का मारेंगे। तो देखो मैंने कढ़ाई रख दी हूँ और दूसरी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच छोटे छोटे तेल डाल दिए, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके अंदर डालेंगे लहसुन कुटा हुआ, ये बारीक चॉप करके लाई हूँ, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 7-8 कड़ी पत्ता। अब इसमें डालेंगे हम सूखी हुई लाल मिर्च। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्ची भी डालूंगी, तड़के में ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच दही। अब ये डालेंगे हम 2 चम्मच भर के लाई हूँ केचप। ये केचप, दही और ये रेड चिली सॉस, ये हो गया, इसमें मिला लिए मस्त से। अब डालेंगे हम हमारे तड़के के अंदर। अच्छे से दही के साथ खेलते हैं। तो देखो 2 मिनट मैंने इसको पका ली दही डाल के आराम से, ठीक है, इसमें सॉस वॉस सब मिला के। अब इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ये डालूंगी सोया सॉस, थोड़ा सा बस। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी ये काली मिर्च, हाँ अच्छा ऊपर से भी हमको चटपटा लगेगा ना। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा इसमें डाल देंगे सब चिकन। अब जरा इसको आराम से मिला लेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब इसको ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे बस। तो देखो मेरी रेडी हो गई चिकन 65। अब मैं कर रही हूँ गैस बंद और अभी मैं ये पूरा निकाल लूंगी इस पे। तो दोस्तों चिकन 65 रेडी हो चुका है क्या? वैसे तो ये है चिकन 20 या 23, मतलब 20 से 25 पीस रहेंगे, लेकिन चिकन 65 इसको क्यों बोलते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आती। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 4 दिन से गायब हो गया था, आज आ गया। हाँ क्यों तू बोल रहा था रोज, अरे यार चिकन का गायब हो गया। हाँ अच्छा, बोला है कौन गायब गया था, अब समझ आया चिकन की बात। हाँ रोज ढूंढ रहा था चिकन का गया। तो स्वागत है चिकन भाई आपका हमारे चैनल में। तो मुझे बताना भाई ये डिश को चिकन 65 आखिर बोलते क्यों है क्या? हाँ। पहले मैं सुनता था ना नया नया कि चिकन 65, तो मैं ऐसा सोचता था कि मतलब चिकन के 65 पीस आते रहेंगे। बाद में फिर थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ते गया नहीं यार वो डिश का नाम है, बट क्यों है आज तक मुझे मालूम नहीं, मुझे भी नहीं पता है। मैंने वैसे तो एकदम लाजवाब बना लिया, बोलते ना बेहतरीन।
सही में मुझे जो टेस्ट में अच्छा लगेगा मैं जरूर बना दूंगी। देखो यार जो चीज मुझे दिखने में अच्छी लगती है यार टेस्ट उसका लाजवाब होता तो सीधा मेरे मुंह से निकलता है शाही डिश, इसका नाम है मेरे तरफ से भाई शाही चिकन दिख रहा है। तो हम लोग ने देखो साइड में नींबू लिए और मैंने थोड़ी सी कोथमीर रख दी और भाई कांदा नींबू और कांदा तो चलो फिर नींबू पे कांदा पे नींबू डाल दे। मैं बोली यार चिकन आया है तो उसका कांदा भी लेके आ जाओ, नहीं तो फिर बोलेगा कि कांदा किधर है। बिस्मिल्लाह करते हैं क्या। चिकन तो सही में बहुत सॉफ्ट गला है, मैंने ना ऐसा चाकू डाल के चेक भी किए थे। ओ अल्लाह ओहो नरम नरम बॉडी। चलो मैं बिस्मिल्लाह करो इतनी बड़ी बॉडी को। अब अपने टाइम और यार मेरे को ज्यादा क्या अच्छा लगा मेरे डिश में आपने का जो चिकन में मसाला है ना वो छूटा नहीं। क्यों नहीं छूटा? क्योंकि तेल एकदम हाई स्पीड में गर्म होने लग दिए थे और एकदम ज्यादा फ्लेम पे यानी कि उतना हाई फ्लेम पे फास्ट था। मेरे बोलने का मतलब है कि तेल बहुत गर्म रहेगा तभी ये चिकन आप ड्रॉप करना तेल में। आइए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। ओह हा हा बोटी जो इतनी सॉफ्ट है ना एकदम गल चुकी है मस्का बता नहीं बराबर बोटी एकदम गली भी है। ये है बोटी और ये बोटी गलने का भी एक राज है। मम्मी ना मसाले बोटी को मतलब पकाने से पहले नमक या तो फिर हमें अदरक लहसुन लगा के रखते ना। तो यार ये आप लोगों के लिए भी अगर आपको इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट इतनी सिल्की सिल्की बोटी चाहिए तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मसाला या फिर नमक लगा के मैरिनेट करके रखोगे ना एक दिन या फिर छः घंटा चार घंटा भी रखोगे तो उसके बाद कुक करोगे ना बोटी एक नंबर गलती क्या। अभी देखो मैं तो ये हमेशा रखती हूँ फ्रिज में नमक और अदरक लहसुन लगा के हमेशा रखती हूँ। हाँ फ्रिज अगर हर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको शाम को बनाना है तो आप सुबह में भी लाके उसमें अदरक लहसुन और नमक लगा के ढक के रख सकते हैं। एकदम चटपटी डिश बनी ऐसे में मजा आ रहा खाने में बहुत मजा आ रहा है। दाल चावल के साथ खाएंगे यहाँ आया कुछ जरूरत ही नहीं। तो अभी मेरे को जल्दी जल्दी फोटो भेजना है इसका बना के कौन सा बच्चा पहले भेजेगा मैं देखती हूं। ठीक है तो भाई रेसिपी अच्छी लगी है मुझे पता है लाइक करो। ठीक है लाइक कर दिए सब्सक्राइब नहीं किया जो कर लिया उसको बोलो थैंक यू। जिस किसी ने अभी तक ये नहीं किया जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो अपने वाले हैं जो हम लोग को ज्यादा ज्यादा पसंद करते हैं वो है प्लीज शेयर करो। कितने बार बोलो कभी तो सुन लो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सुनते तो है जो नहीं सुनते उनके लिए था। तो ठीक है फिर चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब तक के अल्लाह हाफिज़ बाय। दुआओं में याद रखना।